गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल करियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला प्रश्न है, इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद आज के एक एक प्रश्न बिल्कुल शानदार और परीक्षा में आने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों ने सूर्य से कितने गुने बड़ा ब्लैक होल की खोज की है। ब्लैक होल आप लोगों ने सुना होगा, ब्लैक होल है ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, इनका जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, प्रकाश की चाल जो लगभग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है वो भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाता, वहाँ से प्रकाश नहीं आती, इसलिए ब्लैक होल को देखना असंभव है। लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, उसके आस पास के प्रकाश से को देख कर अनुमान लगाया जाता है कि ये ब्लैक होल हो सकता है। तो जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद ध्यान रखना है कि जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों ने, दो देशों के खगोलविद, जर्मनी और यूनाइटेड खगोलविदों ने सूर्य से कितने गुना बड़ा, तो सूर्य से 33 गुना बड़ा, हमारे सूर्य से 33 गुना बड़ा क्या खोजा है, एक ब्लैक होल की खोज की है। ब्लैक होल जो द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा होता है और इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है ना, उसकी खोज की है। और ब्लैक होल के बारे में जो है अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसके इसके लिए अनुमान लगाया जाता है ना, ये याद रखेगी, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के है ना, डरहम विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट है ना, यूनाइटेड किंगडम के डरहम विश्वविद्यालय, डरहम विश्वविद्यालय प्लस मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट, ये जर्मनी में है और डरहम जो विश्वविद्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों के खगोलविदों ने मिलकर ब्लैक होल की खोज की है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है जिसे प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस अवधारणा का सिद्धांत 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। अब ब्लैक होल शब्द जॉन आर्ची बाल्ड विलर द्वारा दिया गया है ना, ये ब्लैक होल शब्द किसने दिया, जॉन आर्ची बाल्ड, ब्लैक होल शब्द दिया जॉन आर्ची बाल्ड, आर्ची बाल्ड ने, ध्यान रखेंगे ये ब्लैक होल शब्द दिया। लेकिन ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मनी का था, जर्मनी का महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह सिद्धांत दिया था। ध्यान के यह धारणा है ना, ऐसा माना जाता है कि बड़े तारों के वृत्त होने से ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल बनने के लिए कंडीशन क्या है, आप ध्यान रखेंगे, इसमें भारत के एक भौतिकीविद हैं चंद्रशेखर बेकेट रमण, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर बेकेट रमण ने चंद्रशेखर लिमिट उन्होंने बताया है, और चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट, तो चंद्रशेखर लिमिट है कि कोई भी तारा अगर सूर्य से 1.44 गुना है ना, सन से 1.44 गुना अधिक है तो अंत में ब्लैक होल बनेगा, अंत में क्या बनेगा, ब्लैक होल। अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाला तारा है तो उस विस्फोट होने के बाद वो बामन तारे में बदल जाएगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। और ये बिल्कुल इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला था है ना, चंद्रशेखर बेकेट रमण को, इसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर लिमिट का मान है 1.44 टाइम ऑफ मास ऑफ सन, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ब्लैक होल की खोज हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके लिए ब्लैक होल से, ये बात जरूर याद रखिएगा। चले हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेतक दिया है,
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को क्या दिया है, जीआई टैग, है ना, जीआई टैग दिया है। किसने दिया है, ये दिया है यूरोपियन यूनियन ने दिया है कांगड़ा चाय। भारत में भी जीआई टैग बहुत सारे वस्तुओं को दिया गया है। इस बार जो कांगड़ा कहां, हिमाचल में, आप ये भी जान रखे हिमाचल प्रदेश की चाय है ये, और हिमाचल प्रदेश की चाय, हिमाचल की चाय है ये, और इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा या जो है ना भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, है ना, ये याद रखेंगे यूरोपियन संघ के द्वारा। अब चूंकि भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं, दुनिया के लिए भी ये बड़ा पसंद किया जाता है इस तरीके के, यहाँ की चाय, वैसे भारत में चाय उत्पादन में तो असम एक नंबर पर है, लेकिन आप देखेंगे इसको भौगोलिक संकेतक रूप में यूरोपियन यूनियन ने टैग किया है, यूरोपियन यूनियन ने इसको टैग किया है, कनुठी चाय संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई प्रदान किया है, इसको संकेतक संरक्षित संकेतक भौगोलिक संकेतक कह सकते हैं, संरक्षित भौगोलिक संकेतक मतलब प्रोटेक्टिव पीजीआई टैग, है ना, प्रदान किया है, याद रखिएगा। 22 मार्च को यह जारी हुआ था, लेकिन इसकी अधिसूचना 11 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। ये कब से लागू हो जाएगा, ये 11 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूरोपियन यूनियन ने इसको दिया है कांगड़ा चाय के लिए पीजीआई का अनुदान, ऐसे समय में जब यूरोपीय संघ बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। भारत ने 2018 में जीआई टैग के लिए आवेदन किया था, है ना। कांगड़ा क्षेत्र में ही वार्षिक रूप से उच्च मात्रा में होते, भारत में मेघालय राज्य मासिनराम के बाद धर्मशाला शहर और इसके आसपास क्षेत्रों को वास्तव में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र का दर्जा दिया। कांगड़ा चाय घाटी में उगाई जाने वाली कैमिलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से बनाया जाता है। कांगड़ा घाटी काली चाय और हरी चाय दोनों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक मिला था। भारत में इसको मिला था, कांगड़ा चाय को 2005 में, है ना, जीआई टैग भारत सरकार ने दिया था। और सबसे पहले जीआई टैग दिया गया 2004 में दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग टी को पहली बार भारत में दिया गया। ये तो यूरोपियन यूनियन ने दिया है, दार्जिलिंग टी 2004 में भारत में पहली बार, है ना, ये जीआई टैग प्राप्त किया था। भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया, किस वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया है, और यह शुरू किया गया है 2021 वित्तीय वर्ष तक, तो 2026-27 तक। कब से शुरू होगा, 2022-23 से 2026-27 तक 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना है 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना, ध्यान रखिएगा। शुरुआत कब से होगा, 2022-2023 और 2026-27 तक 5 वर्षों में 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 1037.90 करोड़ रुपए इसके लिए, 1037.90 करोड़ रुपए व्यय होंगे, इतने रुपए व्यय करके लोगों को साक्षर बनाना है और साक्षरता रेट को भारत में बढ़ाना है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 5 करोड़ लोगों को, अब इसमें आयु कितना लेना है, है ना, 15 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि 14 वर्ष से नीचे वालों के लिए तो पहले से ही निशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे भारत सरकार में किया गया, भारत में किया गया है, तो इसलिए 15 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए यह है। यह योजना मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। कैसे की जाएगी, ऑनलाइन माध्यम से कार्यान्वयन होगा इसका, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2026-27 तक लगभग इस 5 वर्षों में 5 करोड़ लोगों को, जो 15 वर्ष से ऊपर गए उनको साक्षर करने का एक प्रोग्राम है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
2011 जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट जो है 73% है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार। हाल ही में अल्टन कैपिटल द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक पिछले बार की तुलना में 6 पायदान गिरी है और भारत की रैंकिंग है 144वें स्थान पर है। अल्टन कैपिटल द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 144वें स्थान पर है। पिछली बार 138वीं रैंक थी और 6 पायदान नीचे गिर गया और 144वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, 2023 में कुल 199 देशों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, शामिल किया गया है 199 देशों को शामिल किया गया, महत्वपूर्ण बात है। 199 देशों में भारत की रैंक 144वीं है। 199 देशों में भारत की रैंक जो है क्या है, 44वीं है। में जारी इस इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। एक नंबर पर यूएई है, एक नंबर पहले स्थान पर कौन है, शीर्ष में है, एक नंबर पर यूएई, दूसरे नंबर पर स्वीडन, यूएई स्वीडन दूसरे नंबर पर है, याद रखिएगा, यूएई दूसरे नंबर पर, तीसरे पर जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी चौथा, फिनलैंड पांचवा, लग्जमबर्ग, ये पांच शीर्ष देश है इसमें। अफगानिस्तान सबसे नीचे 199 रैंक पर है, अंतिम अफगानिस्तान, अंतिम कौन सा है, अफगानिस्तान 199वां रैंक, अंतिम 100। तो ध्यान क्या का, भारत 144वीं रैंक है इसकी, पिछली बार 138वीं। वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2023 किसने जारी किया, ये अर्बन, ये ध्यान रखना, अल्टन कैपिटल द्वारा जारी किया गया है वो। चलिए अगला प्रश्न, किस देश में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? क्योंकि बर्ड फ्लू तो पक्षियों में होता है, नाम ही है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू वाला मामला, ये बर्ड फ्लू का जो मामला है, पहला मामला जो इंसानों में आया है, ये आया है चिली, और चिली जो है दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, इसमें इसका पहला मामला आया है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं, H5N1, ध्यान रखिएगा, H5N1, ये बर्ड फ्लू है। मुर्गियों, खास करके खाद्य जो मुर्गी जो होते हैं, मुर्गियों पक्षियों इन सबसे फैलता है, H5N1 जो है इसे पलता है। चिली में पहला मामला आया है, 53 साल के श्रमिक इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले, है ना, चिली में। ये बात ध्यान रखिएगा, H5N1 बर्ड फ्लू के मामले साय में पिछले साल के अंत तक आ गया था यहां पर, H5N1। यह वायरस खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पक्षियों जैसे मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि सहित पालतू और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों में पाया जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये खाद्य पक्षियों है ना, चाहे मुर्गी हो, मुर्गी, बटेर,
इत्यादि, पालतू और जंगली, ये कोई भी हो, ये चाहे पालतू हो या जंगलू किसी में हो सकता है, पालतू और जंगली सभी में है ना, ये बर्ड फ्लू पाए जाते हैं। तो चिली में इंसान में पहला मामला सामने आया H5N1 का, खाद्य पक्षियों के तहत। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है, तो ध्यान रखिएगा बर्ड फ्लू H5N1 को कहते हैं, याद रखेंगे। एवियंजा, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं या बर्ड फ्लू। पहली बार 1997 में हांगकांग में पहली बार ये इस वायरस को पहली बार 1997 में हांगकांग में खोजा गया था। तो ध्यान रखिएगा पहली बार उनसे वायरस से होता है। तो चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसको चिली को दापा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तांबा दुनिया में सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन चिली के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, पथश्री और रास्ता श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल में पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बंगाल में, याद रखिएगा बंगाल में। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिंगूर में इस परियोजना का उद्घाटन किया, बंगाल के सिंगूर में सीएम ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे बंगाल के सिंगूर में इसका उद्घाटन किया है। राज्य के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके विद्यालय को मजबूत करने के लिए, गांव संपर्क बढ़ाने के लिए, इसमें राज्य के 22 जिलों में 1200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, राज्य के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण, ऐसा लिखेंगे 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण करके गांवों को जोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है कि सड़कों का निर्माण करके गांवों को कनेक्ट किया जाए, शहरों से कनेक्ट किया जाए। इसीलिए पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये जरूर पूछा जाएगा इस तरीके से किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। और राज्य के 22 जिलों में 1200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले गांवों को संपर्क बढ़ाने के लिए किया गया है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते रहते हैं। चलिए, हाल ही में कहां पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। देखा दूसरा संस्करण है, आयोजन 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तीनों सेनाओं का मतलब जल थल और वायु, किसका संयुक्त कमांडर है ना सम्मेलन हुआ है, यह हुआ है भोपाल, और भोपाल है मध्य प्रदेश में है ना, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा, याद रखेंगे, बेहतरीन और शानदार प्रश्न है, परीक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग तो संयुक्त मध्य प्रदेश की राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में है ना ये सम्मेलन हो रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में, अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसका आयोजन हो रहा है, याद रखेंगे। रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह हैं, तो ये याद रखिएगा 31 मार्च से 2 अप्रैल तक इस सम्मेलन की थीम है रेडी रिसर्जेंट एंड रिलीवेंट। इसकी थीम क्या है, इस सम्मेलन की थीम क्या है, अब थीम जरूर याद रखेंगे, थीम विषय थीम थीम है
रेडी, रिसर्जेंट, रिसर्जेंट एंड रेलिवेंट, एंड रेलिवेंट। रिसर्जेंट और रेलिवेंट थीम आप जरूर याद रखना, महत्वपूर्ण होगा थीम। सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता और रक्षा परिस्थिति तंत्र पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान सीडीएस, सेना प्रमुख मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और सीडीएस भी, सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। भारत में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है, याद रखिएगा अनिल चौहान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी वर्तमान में सीडीएस हैं, ये तीसरे हैं, पहले बिपिन रावत, दूसरे मनोज मुकुंद नरवणे और तीसरे अनिल चौहान बने हैं, ध्यान रखिएगा। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी और जो है अपने नेवी चीफ आर हरि कुमार, ये लोग शामिल हुए और सेना कोर कमांडर भी इसमें शामिल हुए। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और ध्यान रखिएगा इसका थीम वगैरह। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 जारी की गई है? विदेश व्यापार नीति की घोषणा याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और ये किया है हमारे पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन मंत्री हैं? व्यापार और वाणिज्य मंत्री, ये हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, हाँ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा हुई है, ये जारी की गई है, याद रखेंगे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। विदेश व्यापार नीति की घोषणा पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। नीति के चार स्तंभों पर आधारित, छूट के लिए प्रोत्साहन, 750 अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है और 760 अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है जो हमारा विदेशी व्यापार है। यह नीति मुख्यतः चार स्तंभों पर आधारित है, ये जो नीति है ना, चार स्तंभों पर, चार स्तंभों पर आधारित है। और चार स्तंभ कौन से हैं आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ये चारों स्तंभ कौन से हैं जिस पर विदेश व्यापार नीति आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन है पहला, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात राज्य जिले और भारतीय मिशन ये दूसरा है। तीसरा, व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई पहल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पहल। और चौथा है उभरते क्षेत्र, ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में विकासशील जिले और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना, है ना, ये चार स्तंभों पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निदेशक इसका उद्देश्य जो है निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा इसके लिए है, इसीलिए जारी किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। हाल ही में किस राज्य में झील विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है? किस राज्य में झील विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो यह उत्तर हो जाएगा झील विकास कार्यक्रम तेलंगाना में, है ना, ये याद रखेंगे, तेलंगाना में झील विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है, तेलंगाना में झील विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झील विकास कार्यक्रम, तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव ने झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। हैदराबाद और उसके आसपास के 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करने के उद्देश्य से झील विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत झीलों में सैर के लिए ट्रैक, हरियाली से परिपूर्ण सुंदरता, ओपन जिम, शाम के समय की सैर के लिए रोशनी, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और FP थिएटर और ऐसी सुविधाएं इसमें लगाई जाएगी। 25 नगर पालिका क्षेत्र में, ग्रेटर हैदराबाद में और शेष 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ये सब किए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, है ना, तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव ने शुरुआत की थी, तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव ने शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, सुंदरता बढ़ाने, झीलों से बहुत सारे पर्यटन को बढ़ावा देने, इन सब चीजों के लिए इसमें किया जा रहा है, हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए,
याद रखिएगा हैदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए है ना, पर्यटन बढ़ाने के लिए भी। तो तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 2 जून 2014 को बना था। असम की इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए किसने 108 मिलियन है ना ऋण को मंजूरी दी है, तो यह मंजूरी दिया है विश्व बैंक ने, विश्व बैंक ध्यान रखिएगा, ये मंजूरी इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 108 मिलियन का ऋण विश्व बैंक ने क्या किया है, मंजूर किया है, विश्व बैंक ने मंजूर किया है इसके लिए। याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, 108 मिलियन ऋण लगभग 889 करोड़ रुपए होगा, 108 मिलियन लगभग 889 करोड़ रुपए, इतने रुपए होंगे जिससे जो है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व बैंक की शाखा ने 11.5 वर्ष की आपसी अवधि और 4 वर्ष की ग्रेस अवधि के साथ यह ऋण दिया है। अब ये क्यों किया जाएगा, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि असम सरकार जलवायु परिवर्तन कारण चरम बारिश की घटनाओं में वृद्धि और बाढ़ की घटनाओं में भी वृद्धि, चौराइस परियोजना कम से कम 10,000 लोगों को जलवायु प्रतिरोधी बाढ़ आश्रयों तक पहुंच सहित सुरक्षा निकासी और आश्रय सुविधाएं प्रदान होगी, नदी के कटाव की भेद्यता को कम करने में राज्य को मदद मिलेगा, इसलिए किया गया है। इसके अलावा परियोजना का उद्देश्य फ्लड अधिसूचना शुरुआती चेतावनी सिस्टम सहित मोबाइल अलर्ट्स को बढ़ाकर आपदा के लिए राज्य प्रतिक्रिया को सुधारना है, बाढ़ को रोकने, ध्यान रखिएगा बाढ़ को रोकने एवं लोगों को सचेत करने, एवं लोगों को सचेत करने के साथ पीने के पानी को भी, पानी के लिए भी यह प्रोजेक्ट और कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा फ्लड के लिए क्या होता है, जो परेशान होता है असम है ना। तो विश्व बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में ब्रेटन वुड सम्मेलन, 1944 में जो हुआ था, 1944 ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ब्रिटेन और वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा 1945 में स्थापना हुआ था। कई जगह स्थापना 1944 में भी लिखा जाता है और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी, और इसके नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं अजय बंगा जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं, और इसके मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में परमेश्वरन अय्यर जो है नियुक्त किए गए हैं, परमेश्वरन अय्यर जो नीति आयोग के सीईओ थे वो। तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय विश्व बैंक और आईएमएफ के सदस्य संख्या 189 सदस्य देश हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक अवश्य करिए।